पाए लागो पहाड़ियों पहाड़ियों इच कद्दू बेल जैक हम गढ़वाले में बोलता अमीर तो अलग लू तो अपन देखियो लिया पर बहुत सारा फूल होना लग्या वो फूल की वजन इन वेस्टेज चले जाने तो आज मैं उन फूलों को हम कन पहाड़ी एक व्यंजन बना सकता वह कि मैं आप लोगों के सामने क्रिया विधि लेके आनू छो हम क्या प्रकार यूँ फूलों उपयोग कर सकता ताकि हम एक सुंदर सी व्यंजन बना सकला और खा सकला। ये देखा ये फूल छन ये फूल मैंने तोड़ लीन थी तोड़ी के मैंने इन कुछ रख लीन तब मैं ये फूलों के लिखाणु छो भीतर किचन में और अब हम बता आपके कन यूँ को एक अच्छे व्यंजन बना जा सकद। अभी बड़ी ऐसे मुंह धोकर रख ली थी आप ये लिपि सुना चाह हम लोग यूँ गए देखा अभी बड़ी ऐसी पीसी पासी गए पिसने पर किधर चलने की एक कटोरा में आरो बेसन पुदीना अजवाइन हल्दी वगैरह सब मिला कर रखी जी। अब हम यू एक दो मिक्स एक साथ मिक्स करने देखा इस स्लोटी मोमेंट पे इसलिए फर्स्ट क्लास ढंग से मैं माफ पीछे नहीं जी एक बढ़िया सामान मिलाना चाहिए क्या अच्छी तरह से मिलानी नहीं नमक आप ये मैं स्वाद अनुसार डाले अपने जैसा आप लोगों को पसंद जी पान का तेल डाली ये मार मिक्सअप तैयार हुई जम्मू देखा सुंदर तेल में मुझे फ्राई करने का आप ये फर्स्ट क्लास रोटी मैं नहीं जाऊँगा पठोड़ी बोल रहे देखा छोली का एकदम ये तरीके से हम ये उपयोग कर सक रहा गौर में जैसा भी फूल बर्बाद हो जाना नहीं फूल अच्छा उपयोग की जा सकते और एक सुंदर पहाड़ी डिश व्यंजक तैयार की जा सकते ये देखा बनी आमलेट है तरी मणि देखा तो तगड़े आप लोग भी अगर आप अपने घरों में आराम से ट्राई कर सकदन और इन पटड़े आप भी बना सकदन वो फूलों सदरा अमेरता जो फूल होना कद्दू का जो फूल होना उनका आप इन तरीके से बना सकता जो को स्वाद बहुत ही टेस्टी होता आप कभी ट्राई करें घर में बहुत ही टेस्टी चीज़ होनी। धन्यवाद आप लोगों का आपका पहाड़ी व्यंजक बहुत पसंद आलू इन्नी अगने जुड़िया रात दूसरों पहाड़ी व्यंजक जल्दी हम लिखा आला धन्यवाद और लाइक जरूर करें।